हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे फ्रेसनल्स फार्मूला फॉर परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेसनल का दो इक्वेशन डिराइव करेंगे, जो कि पहला वाला इक्वेशन ये है और सेकंड वाला इक्वेशन ये है, और कई सारे किताबों पर इसके जगह पर ये वाला भी दिया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, एक स्पेशल केस पर यही वाला ये बन जाता है। तो पहले हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। अगर आप लोग इस डायग्राम को समझ के तो पूरा डिराइवेशन आसानी से आप लोग कर सकते हो। तो डायग्राम को ध्यान से देखना है ना। मान लीजिए ये आपके पास एक इंटरफेस है ना, जो कि मीडियम वन और मीडियम टू को सेपरेट कर रहा है, ठीक है ना। और ये एक प्लेन है, ठीक है ना। और इस इंटरफेस पर मान लीजिए एक इंसिडेंट रे जाके टकराया है यहाँ पर, है ना, जिसका जो वेव प्रोपेगेशन फैक्टर है के आई है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है नॉर्मल के रेस्पेक्ट में वो क्या है, थीटा आई है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में थीटा आर है, और वेव प्रोपेगेशन फैक्टर के आर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पहला केस हम लोग वो कंसीडर करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस परपेंडिकुलर जो प्लेन है इसके साथ परपेंडिकुलर होगा, है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पर ट्रांसमिटेड रे ये है या रिफ्रैक्टेड रे आप लोग कह सकते हो ये है, और थीटा थी मतलब क्या है, नॉर्मल के साथ जो ट्रांसमिटेड रे एंगल बना रहा है थीटा थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक केस लेंगे कि पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, जिसकी वजह से परपेंडिकुलर पोलराइजेशन हो रहा है, और हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें पैरेलल पोलराइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो डॉट आप लोग को दिख रहा है ना, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर भी आप लोग एक डॉट दे सकते हो, है ना, यहाँ पर भी आप लोग एक डॉट दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस बोर्ड के जो प्लेन है वो अंदर जा रहा है, एक ऐसे कुछ इस तरीके से अंदर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस प्लेन के साथ अंदर जा रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है, और ये एक प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो, ये एक इंटरफेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे इस इंटरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम लोगों ने बाउंड्री कंडीशन देखा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो पहला कंडीशन क्या था, E1T = E2T। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, इस वाले में और इस वाले मीडियम पर और इस वाले मीडियम पर दोनों क्या होगा, बराबर होगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट मतलब पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है ना। तो यहां पर लोग ध्यान से देखो, जो 1t है यानी कि यहां पर दो रेज है, एक रे ये है एक रे ये है, यानी कि इंसिडेंट रे भी है रिफ्लेक्टेड रे भी है। तो इन दोनों का हम लोग को कंबाइन करके टेंजेंशियल कंपोनेंट देना पड़ेगा, और यहां पर जो ट्रांसमिटेड रे है इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट देना पड़ेगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे लिखते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट e टू द पावर i kr माइनस ओमेगा t। तो यहां पर क्या होगा, kir माइनस ओमेगा टी होगा, यहाँ पर इनोट आया होगा, जहाँ पर इनोट आया मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ईओटी मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड रे, के आई मतलब वेव प्रोपेगेशन फैक्टर ऑफ इंसिडेंट रे, वेव प्रोपेगेशन फैक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, और ट्रांसमिटेड रे का वेव प्रोपेगेशन फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोपेगेशन फैक्टर्स है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पर देखा था, यहाँ पर जो प्रोपेगेशन फैक्टर्स है और जो ओमेगा है वो बराबर होते हैं, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा टर्म ई का, ये बड़ा टर्म ई का, ये बड़ा टर्म ई का, ये बड़ा टर्म कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बच जाते हैं, इनोट आई प्लस इनोट आर इज इक्वल टू इनोट टी, है ना। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, सिमिलरली अगर हम लोग बाउंड्री कंडीशन फॉर एच वेक्टर लगाए तो यही वाला बन जाए एच नॉट आई, एच नॉट आर, एच नॉट टी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यही वाला ये बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, एच नॉट आई मतलब क्या है, एच नॉट आई मतलब एच नॉट, ये है आपका एच वेक्टर, इसका ये वाला कंपोनेंट भी है, ये वाला कंपोनेंट भी है, और ये वाला कंपोनेंट भी है ना। हम लोग को टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट मतलब जो इंटरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो है, उसके जो परपेंडिकुलर है, अगर ये थीटा आई है तो ये भी थीटा आई होगा, तो इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है ये होगा एच नॉट आई कॉस थीटा, इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है एच नॉट आई कॉस थीटा होगा, एच नॉट आई कॉस थीटा आई होगा, है ना। ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है टेंजेंशियल कंपोनेंट जो कि इसके साथ ये हो रहा है, और ये है आपके नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है ना, और ये एक वेक्टर था, है ना। तो यहाँ पर दो वेक्टर को हम लोग रिजोल्यूट करके दो तरीके से कर दिया, एक हो गया आपका एच नॉट आई कॉस थीटा, एक होगा एच नॉट आई साइन थीटा, क्योंकि हम लोग को सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए इस इंटरफेस के साथ पैरेलल, तो एच नॉट आई कॉस थीटा लेंगे। इसका भी क्या होगा, डायरेक्शन बस अपोजिट है, तो यहाँ पर इसलिए माइनस आ जाएंगे, लेकिन कॉस थीटा होगा, यहां पर cos θ t होगा कुछ इस तरीके से, है ना। इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, यहां पर आप लोग को एक रिलेशन पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बीच में रिलेशन क्या है, एच वेक्टर और ई वेक्टर के साथ रिलेशन क्या है। यहाँ पर देखो, ये एक चीज है ना, तो इसका एक रिलेशन है कि जो मीडियम है, मान लीजिए मीडियम वन की हम लोग बात करें, तो ये होगा रिलेशन, है ना। तो ये आपको याद रखना है ना, पहले में मुझे बता देना चाहिए लेकिन मैंने नहीं बताया, ठीक है ना। तो ये आप लोग को याद रखना होगा, ठीक
है, मैं आपको देता हूँ ध्यान से देखो। तो ए, यहाँ पर देखिए एच नॉट आई की जगह पर ई वन बाई मी वन ई नॉट आई, तो ये पहला वाला रिलेशन हो गया, ये दूसरा वाला, और यहाँ पर सिर्फ ई टू बाई म्यू टू होगा, बाकी ई नॉट टी होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो ई नॉट आई को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखिए इनोट टी मतलब क्या है, इनोट टी मतलब यहाँ पर हम लोग कुछ कंसीडर कर सकते हैं। इनोट टी मतलब क्या है, इनोट टी की जगह पर आप लोग इनोट आई प्लस ई जीरो आर कंसीडर कर सकते हो, ई जीरो आई प्लस ई जीरो आर, यानी कि देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, है ना। ये अगर हम लोगों ने कंसीडर कर लिया तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनोट आई इनोट आई, तो इन दोनों को कॉमन लेकर जो कुछ भी बचा हम लोगों ने रख दिया, और ई जीरो आर कॉमन लेकर हम लोगों ने ये वाला कर दिया। अब हम लोग को फ्रेशनल्स इक्वेशन पहला वाला कैसे मिलेंगे, ई जीरो आर डिवाइडेड बाई ई जीरो आर, यानी कि ई जीरो आर हम लोगों ने पहले लिख लिया, इसको डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला बन गया आप लोग का फर्स्ट फ्रेशनल इक्वेशन। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट फ्रेशनल इक्वेशन क्या है, जो एम्पलीट्यूड है, जो रिफ्लेक्शन एम्पलीट्यूड कोएफिशिएंट है, डिवाइडेड बाय जो इंसिडेंट रे का एम्पलीट्यूड कोएफिशिएंट है, उसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये वाला बन जाता है ना। तो ये आप लोग का हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग देखिए यहां पर, अगर यहां पर ई जीरो आर चाहिए था, ई जीरो आई चाहिए था, है ना, तो इसलिए हम लोगों ने ई जीरो टी को हटा के ये वाला रख दिया है, ई जीरो टी को हटा के ये वाला रख दिया। अब हम लोग अगर ई जीरो टी को रखना है, ई जीरो आर को रिफ्लेक्टेड रे का जो एम्पलीट्यूड है उसे हटाना है, तो ई जीरो आर के जगह पर, ई जीरो आर के जगह पर यहां से ई जीरो आर का वैल्यू कैसे होगा, ई जीरो टी माइनस ई नॉट आई, उस साइड पर ले जाएंगे। तो ये वाला अगर हम लोग यहां पर पुट कर दे, है ना, यहां पर ई नॉट टी ही रहने दे, यहां पर ई जीरो टी ही रहने देते हैं, ई जीरो आर के जगह पर ये वाला अगर पुट कर देते हैं तो ये वाला ये बन जाता है। एज इट इज सेम स्टेप करना, बस एक स्टेप का काम था, इसलिए मैंने आप लोग के लिए होमवर्क रख दिया है, ठीक है ना। बस एक स्टेप का काम है, यहां पर आप लोग ई जीरो आर के जगह पर ई नॉट टी माइनस ई नॉट आई लेना और कॉमन ले लेना, कॉमन लेना आता है आप लोग को, है ना, बस यही वाला स्टेप आप लोग को करना था। तो कॉमन लेने के बाद आप लोग को ये वाला आ जाते हैं, ये वाला ध्यान से देखना। अगर हम लोग एंगल को यहां पर देखो, ई वन बाई वी वन ई वन बाई वी वन, तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर सकते हैं, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, बराबर हो जाते तो इन दोनों का सम होकर ट्वाइस ऑफ ई वन बाई मी वन कॉस थीटा आई या कॉस थीटा कुछ भी लिखो, है ना, और ये है आपके सेकंड फ्रेशनल इक्वेशन, है ना। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप लोगों को ये जो है यहाँ पर आप बेसिकली मतलब कॉस थीटा के टर्म में नहीं है, यानी कि टेंजेंशियल आप लोग कहोगे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म में, ये फ्रेशनल इक्वेशन नहीं है, बस ये अल्जेब्रिक टर्म्स में है। अगर आप लोगों को वो भी एक अलग वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं कमेंट करके बता दूंगा, ठीक है ना, एक वीडियो में बता दूंगा अगर कमेंट कर देना। तो ये हो गया फ्रेशनल फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड फ्रेशनल इक्वेशन जो कि परपेंडिकुलर पोलराइजेशन केस के लिए था, है ना। तो हम लोग पोलराइजेशन केस के लिए थर्ड और फोर्थ फ्रेशनल इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो आई होप लोग यहाँ तक समझ, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।